गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम दो रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन टिक्का बूटी, और उसके बाद हम उसी से चिकन टिक्का कढ़ाई भी बनाएंगे। सो इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है। वैसे तो ये हर घर में बनती है, लेकिन मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ। सो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएँ टिक्का बूटी। सो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने 3 किलो चिकन ले लिया, ठीक है, उसे कट करवा लिया छोटे छोटे पीसेस में। तो इसको अब हम मैरिनेट करना शुरू करेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक नींबू ले लूँगी, ठीक है, एक फुल साइज़ का मैंने नींबू ले लिया। उसे मैं अच्छे तरीके से जो है वो निचोड़ लूँगी। नींबू को मैंने अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर जो है वो निचोड़ लेना है। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, सिरके को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो फिर आप नींबू को यूज़ कर लें। नींबू को स्क्वीज़ करने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया। हंसप ज़रूरत मैंने नमक ऐड किया। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये सब मसाले जो हैं ड्राइड स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड की। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी। मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का मसाला बनाना पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके पास होममेड चिकन टिक्का मसाला नहीं है तो आप बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं चिकन टिक्का मसाला। मैंने इसके अंदर जो है वो 5 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया। चिकन टिक्का मसाला ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी। मैंने जो है वो हरा धनिया ले लिया, उसे बारीक चॉप कर लिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना पसंद करें तो आप इसे डालें, वरना आप इसे बेशक ना यूज़ करें। हरा धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। मैंने क्या किया कि 4 टेबल स्पून जो है वो दही ले लिया और उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, जितने भी आपने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं इन सबको अच्छे तरीके से आपने एक साथ मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। जितने भी मसाले हैं वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब आप क्या करें कि इसे ढक के इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है कि मैं इसे जो है वो सीखों पर बनाऊंगी, ठीक है। आपने कोयले वगैरह जो है रख लेने हैं, और इसके बाद आपने क्या करना है, सीखों पे आपने जो आपका चिकन बूटी थी उसको लगा देना है और उसको जो है वो बारबेक्यू कर लेना है। सब देख सकते हैं कि हमारी जो चिकन बूटी है वो बारबेक्यू हो रही है, ऑलमोस्ट ये हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो निकाल लेंगे। सो तैयार है हमारे बहुत ही यमी चिकन टिक्के, ठीक है, बारबेक्यू चिकन बूटी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डिश आउट करके रख लेते हैं और इसे हम खा लेंगे, और उसके बाद हम जो है वो चिकन टिक्का कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए आपने क्या करना है, हमने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने जो है हंसप ज़रूरत ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो हमारा बचा हुआ मसाला था चिकन टिक्कों का वो ऐड कर दिया। मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड किए। 1 पाव मैंने इसके अंदर साबुत टमाटर ऐड कर लिए थे। इन्हें मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। जब हमारे टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे तो हम इनका छिलका जो है वो उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चिकन टिक्का जो हमने बनाया हुआ था चिकन बोटी वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 kg जो है वो चिकन टिक्का बोटी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। चिकन टिक्का बोटी बिल्कुल कुक्ड है, हमने कुक्ड इसके अंदर ऐड की। इसको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे झटपट सी। बिल्कुल आपकी 5 मिनट में कढ़ाई तैयार हो जाएगी, क्योंकि चिकन हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल कुक्ड है। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आपने इसे और कुक करना है ताकि ऑयल हमारा जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। जब ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ जाएगा तो हम जो है इसे डिश आउट कर लेंगे।
सो गाइज़ आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आना शुरू हो चुका है, कढ़ाई हमारी जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो आप हरा धनिया, हरी मिर्चें भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे डिश आउट कर लेंगे हम लोग। ऑयल भी हमारा जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। सो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई और चिकन टिक्का बोटी भी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।